आज कितना अच्छा लगा ना। हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल, आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, आप घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन, साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, दो चार घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब सराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है, साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहते? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने, मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो। दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फुंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान, आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तो कितनी शरीफ है, 6 महीने से मेरा सी बना रही है, तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। 1,000 रुपए की लंका लगवा चुकी है, चल। रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया? ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है, तू निकल अपना काम कर, मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की क्या लगता है तेरा? दीदी मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला, जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया, जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू, देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना 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 क्या कर लेगा तू? सुन मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहां से और शराफत का चोला आज से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है,
ऐसे हरामी लड़के 10-20-50-100 हजार रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती हैं और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ।